असलकम वरकमिल्ल रबालमीन वसलत वसलम उल रसुल करीम अम्माबाद वाऊदबिल्ल मिनशतिन बसमिल्लर तोफ़िन इबादक वा तवफ़रल्फ़ा का अनतला आज़ीज़ुल्हम नदरिन ग्रामी हम आपके सामने जिस मौजू से मुतल बात कर रहे हैं या जो बातें हमारी हो रही हैं वो ये कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है पत्थर हो जाता है बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है इस दिल की क्या अहमियत है हमने जाना समझा हमारी गुफ्तु जारी थी वो ये कि फ़ैल अबन आयाद रहमत ला इन्होंने दिल की सख्ती उसकी मजम्मत को वाज किया और बड़ा प्यारा जुमला नकल किया था कम सुन मिन अति शक़ा पांच चीज़ें ऐसी हैं जो बदबख्ती की आलामत हैं पहली चीज़ अल कसव तो फिलकल दिल का सख्त हो जाना ये बदबख्ती की आलामत है इसमें मज़ीद चार चीज़ें वाज़ की गई हैं दूसरी चीज़ कही गई आइन आँखों का खुश्क हो जाना क्या मतलब आँखों का खुश्क हो जाना मतलब ये कि आँखों में आंसू का ना आना अल्लाह के डर से अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत से आँखों में आंसुओं का ना आना ये भी की कीमत है जबकि ये मालूम होना चाहिए कि इंसान की फितरत है कि इंसान रोता है रोने की बहुत सारी किस्में हो सकती हैं लेकिन रोने में एक रोना ये भी है जो इबादत बन जाता है अल्लाह के डर से अल्लाह की खशियत से आँखों में आंसू आना इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है फजीलत है दीन इस्लाम में गौर करने की बात है कि अल्लाह की खशियत से निकलने वाले आंसुओं की इतनी फजीलत कि वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा और एक हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशात फरमाया कि दो आँखें ऐसी हैं जिसको जहन्नम की आग छुएगी नहीं इतनी बड़ी बात दो आंखें ऐसी हैं जिनको जहन्नम की आग छुएगी नहीं अल्लाह क्या कहा एक वो आँख जो रात गुजार देती है मुसलमानों की पहरेदारी करते हुए सरहदों पर जाग कर रात गुजार देती है मुसलमानों की निगहवानी करते हुए तो वो आँख अल्लाह के पास बहुत बड़ा मकाम रखती है उस आँख को कभी जहन्नम की आग नहीं छुएगी और दूसरी आँख बकत मिन खशियतिल्ला वो आँख जिन आँखों में अल्लाह के डर से आंसू आ गए अल्लाह के खौफ से अल्लाह की खशियत से आंसू निकल पड़े ऐसी आँख को जहन्नम किया कभी छुएगी नहीं नादरी गिरामी अल्लाह के डर से रोना आँखों से आंसू निकालना कितना बड़ा मकाम है शरीयत में इसका एक और हदीस आपने सुना है मशहूर हदीस है कि कयामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा लोग परेशान होंगे वहाँ कोई साया नहीं होगा शदत की गर्मी होगी लोग हैरान होंगे परेशान होंगे ऐसे मौके पर सात खुश नसीब लोगों को अल्लाह तबारक वाली अपने अरश के सए में जगह देगा उसमें से एक खुश नसीब शख्स वो होगा जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि रफादीना के एक वो शख्स के जब तनहाई में गया रात की तारीखी में गया अल्लाह को याद किया अल्लाह को याद करने के बाद उसकी आंखें बह पड़ी उसकी आँखों से आंसू आ गए अल्लाह के डर से वो शख्स रोने लगा सुहान अल्लाह तो कहा ऐसे शख्स को कल क्यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला अपने अर्श के साय में जगह देगा कितनी बड़ी बात हम अगर सलफ़ की तारीफ पढ़ें वाकयात देखें मिसालें देखें हमें समझ में आएगा कि हमारे सलफ़ कैसे रोया करते थे उनके अंदर कैसी खशियत पाई जाती थी आँखों में हमेशा आंसुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब होता था सबसे पहले मिसाल लेते हैं मोहम्मद रसोल्ला वल्लम के नबी वसल्लम एक मर्तबा तहजद की नमाज़ पढ़ रहे थे तहजद की नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज के दौरान शुर मदा की आखिरी आयतों पर पहुंचे जब इस आयत पर आप पहुंचते हैं इन इन इस आयत पर पहुंचते ही आपकी आंखों में आंसू आ गए आप कतार रोने लगे। क्या है इस आयत में? ऐसी क्या बात थी इस आयत में अल्लाह इन हम फैन इबादुक दर हकीकत ये ईसा की एक दुआ है ईसा का एक जुमला है जो अल्लाह रख रहे हैं

क्योंकि तेरे ही बंदे हैं ये ईसा की दुआ है ईसा है अल्लाह के नबीम पर पहुंचते हैं जबरी अमीन को भेजा जबरी अमीन आए पूछा क्या बात है क्यों रो रहे हैं अल्लाहबार को तला ने पूछा अल्लाह के नबी मोहम्मद जवाब देते हुए कहते हैं जिब्रील देखो मैंने इब्राहिम की दुआ पड़ी उनको अपनी उम्मत की, फिक्र है। मैंने इसा सलाम की पढ़ी। उनका कौल पढ़ा उनको अपनी उम्मत की फिक्र है। मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है अल्लाह उम उम गए अल्लाह तबारक तआला ने खुशखबरी तो भेजी के जाओ मेरे नबी से कह दो कल क़यामत के दिन तुम्हारी उम्मत के हक में अल्लाह जो फैसला करेगा ए नबी आप उससे राजी हो जाओगे उससे खुश हो जाओगे अल्लाह आपको नाराज होने नहीं देगा इस वाक्य के अंदर जो बात मुझे बतानी है वो ये अल्लाह के नबी मोहम्मद रसोल्ला है और आंखों में आंसू आ रहे हैं रो रहे हैं हम सब के रहबर हैं उस है खुदवा है नमूना है अल्लाह के नबी मोहम्मद सल अल्लाह और आप रोते हैं आपके आंखों में आंसू हैं यही नहीं एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्हल्म नेनाओ अबी सर हाँ मैं चाहता हूँ दूसरों से कुरान सुनू नाजरीन एक बात गौर करो यहाँ पर पता चलता है की दूसरों से कुरान सुनना नबी की सुन्नत है अल्लाह के नबीम दूसरों से कुरान सुनना पसंद करते थे आज हम अपने ऊपर गौर करें कि हमने कभी किसी हाफिज से मुलाकात की किसी कारी के सामने हमारा गुजर हुआ हमने कभी ये सोचा कि उस कारी से या उस कुरान से कहें कि भाई थोड़ा कुरान सुना दो थोड़ा कुरान पढ़ो ये अल्लाह के नबी मोहम्मद की सुन्नत है कि कुरान सुनाओ मैं सुनना चाहता हूँ बहरहाल सहाबल अब्दुल्लबिन मसूद ने कुरान पढ़ना शुरू किया सुर पढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते चालीस आयतें खत्म हो गई इकतालीसवीं आयत पर जब पहुंचते हैं गवाह उठाएंगे और इन सारे लोगों पर तुम्हें गवाह बना कर लाएंगे नादरी ने गिर इस आयत पर पहुँचते ही गवाही के एहसास से अल्लाह के नबीसलम की आंखों में आंसू आ गए आप जारो कतार रोने लगे इस आयत पर जब पहुंचे अब्दुल्ला तो अल्लाह के नबी ने कहा रुक जाओ बस करो पढ़ना बंद कर दो इब्न मसूद ने जब कुरान पढ़ना, पढ़ना बंद किया तो देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों से आंसू दोनों आंखों से आंसू जारी एक रिवायत में यहां तक आया कि अब्दुल्ला कुरान पढ़ते जा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं और रोते जा रहे हैं एक दूसरे सहाबी का वहां से गुजर हुआ और उन्होंने मंजर देखा कि अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते जा रहे हैं तो उस शख्स ने उस सहाबी ने कहा अब्दुल्ला बस करो देखो तो सही अल्लाह के नबी कैसे रो रहे हैं। पता ये चला कि रोना आंखों में आंसू का आना ये नबी करीम वसल्लम की सुन्नत है और रोना अल्लाह के डर से बहुत बड़ी इबादत है लेकिन अफसोस कि आज हमारी आंखें खुश हो गई हैं जैसे कि फजल ने फरमाया कि आंखों का खुश हो जाना ये बदबी की अलामत है। और अगर मौजू से आते तो की की आती है इंसान की मैंने अभी आपके सामने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसोल की मिसालें दी अल्लाह के नबी सी आंखों में आंसू आया करते थे अल्लाह के डर से अल्लाह की खशियत से जबकि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसोल्ला सल्ला वम की, की शख्सियत वो शख्सियत कि आपकी मेहनत आपकी दावती तड़प आपकी जद्दोजहद आपकी कोशिशों को और आपकी उम्मत की फ़िक्र को देख कर के अल्लाह तबारक व ने आपकी शान में अर्श से गवाही दी थी फ़ला का बाबस कला तारीम यूबीदीतियाफ़ा कि नबी ऐसा मालूम होता है कि तुम अपने आप को हलाक कर लोगे बर्बाद कर लोगे अपनी जान को जोखम में डाल लोगे अगर ये लोग आपकी बात पर ईमान नहीं लाए तो नाजरीन कहने का मतलब ये है कि आंखों में आंसुओं का आना ये बहुत बड़ी नामत है बहुत ही खुशनसीब है वो शख्स जिसकी आंखों में अल्लाह के डर से आंसू निकलते हैं अबो बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तु को लीजिए अबू बकर कौन अफजलबर बाद अंबिया के बाद इस रुए जमीन पर अगर सबसे बेहतर इंसान कोई है तो वो सिद्दीक अकबर हैं सिद्दीक अब बकरी रजियाल्ला है अब बकरील्ला बकर के बारे में आता है कि आप जब कुरान पढ़ा करते थे कुरान की तिलावत किया करते थे तो रोते ही रहते थे रोते ही रहते थे आपके कुरान पढ़ने का अंदाज आपका रोना ये सारी बातें जब बाहर निकलती थी आप अपने घर के आंगन में पढ़ा करते थे मक्का की औरतें उनके बच्चे दीवार फान फान करके आया करते थे अबू रजी अल्लाह तन की तिलावत उनकी क़िरत उनके रोने को सुना करते थे देखा करते थे मुशरिकीन को डर हो गया था कई हमारे बच्चे उनकी तरफ मायल ना हो जाएं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कहा अब रजी अल्लाह तनों से कि इमामत कराओ नमाज पढ़ाओ अल्लाह के नबी वसल्लम ने अबूबर रजी अल्लाह तन को अपनी ज़िंदगी में इमामत का मनसब अदा किया कहा नमाज़ पढ़ाओ ये बात पता चली आयशा सद्दीका रजील् तैाल को तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी वसल्लम से कि आप वालद मोहतरम अबूबी तहों से इमामत मत करवाइए क्यों क्यों मत करवाइए इसलिए कहती हैं कि जब वो क़ुरान पढ़ते हैं तो रोते ही रहते रोते ही रहते हैं कुरान पढ़ते हैं अगर वो नमाज पढ़ाएंगे किरत करेंगे उनके रोने की वजह से कोई उनकी किरत सुन ही नहीं सकेगा समझ नहीं पाएगा कोई कि क्या पढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह सुभान अल्लाह ये भी कितना अल्लाह तला का डर रखे हुए थे अपने अंदर कि इनकी आंखों में आंसू आया करते थे रोया करते थे ये उमर फारूक रदी अल्लाह तन उमर फारूक रदी अल्लाह तन अकबर। इनके बारे में आता है कि एक मरतबा ये कुरान पढ़ रहे थे इस आयत पर पहुंचते हैं इन अदब और अब इन अदब और अब तेरे रब का आदाब वाक होकर रहेगा रब का आदाब आकर रहेगा एक दिन आएगा कि रब के आदाब से दो चार होना पड़ेगा इस आयत पर जब पहुंचे उमर फारूक रजी अल्लाह तन जारो रोने लगे एक रिवादाज के, के उमर फारूक रोया करते थे अल्लाह की अल्लाह के डर से इतना रोया करते थे चेहरे पर दो काली लकीरें पड़ गई थी काना अला ये उम्र फारूक रजी अल्लाह का मामला सुहा इस उम्मत के हीरोस अल्लाह से डरने वाले तखवा अख्तियार करने वाले जब भी कुरान पढ़ना होता जहन्नम का तस्करा होता रोना शुरू कर देते थे येमान के, के, के पास खड़े हुए थे जन्नत का तस्करा होता है जहन्नम का तस्करा होता है इतना नहीं रोते हो जितना आज तुम यहाँ रो रहे हो उस्मान गनी रजी अल्लाह तन ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसोलम ने बयान फरमाया है कि

आँखों में आंसुओं का न आना इमाम अवज़ारी रहमत आल का नाम सुना होगा आपने इमाम अवज़ारी रहमत एक मुहदस हैं ये अल्लाह अकबर ऐसा रोते थे कि एक मरतबा क्या हुआ कि इनकी जो खादिमा थी ये आईं और कहने लगी कि ज़रा देखो इमाम अवज़ारी रहमत लाला के मसल्ले पर किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया है जिस मसल पर वो रात में नमाज़ पढ़ा करते हैं उस मसले पर किसी बच्चे ने शायद पेशाब कर दिया है मसल्ह भीगा हुआ है उनकी बीवी इमाम रहमतुल्लाह मौजाई की अहलिया जवाब देते हुए कहती हैं खादिमा उस मसल्ले पर किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया वो इमाम मौजाई के आंसू हैं जो रात भर वो रोते रहे हैं उनके आंसुओं से मुसल्ह भीग चुका इस कदर रोया करते थे हमारे सलफ़ एमाम मौजाई रहमुल्ल सुफियान रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे सलफ में एक बहुत बड़ा नाम है सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब इनके नजर के सामने से वो हदीसें गुजरती जिनका ताल्लुक आखिरत से होता जन्नत और जहन्नम से होता तो ये इस कदर तड़पते थे इस कदर तड़पते थे जैसे किसी बकरी को जबा कर दिया जाए तो ज़बह होने के बाद वो बकरी जैसे तड़पती है वैसे तड़पते थे सुफियान ने गिरामी ये मैं कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूँ हमारे सलफ़ की वो मिसालें हैं जो हकीकत में हमें हिला देने वाली एक वो भी इंसान थे अल्लाह का डर अल्लाह की खशियत सुहान अल्लाह आंखों में आंसुओं का आना कैसा उनके अंदर पाया जाता था अल ताबितबनानी रहमतुल्लाह आन इनका भी नाम सुना होगा आपने ये अल्लाह के डर से इतना रोते थे इतना रोते थे अल्लाह अकबर के आंखों में इतने आंसू आते थे इतने बहते थे कि बात यहाँ तक आ गई कि इनके आंखों की रोशनी कमजोर हो गई डॉक्टर को बुलाया गया डॉक्टर ने आके मुआयना किया चेकअप किया आंखों का और चेकअप करने के बाद कैसा है कि आँखों में अभी कोई ज़्यादा ख़राबी नहीं है अगर आप चाहो तो मैं इलाज करने के लिए तैयार हूँ आँखों की रोशनी दोबारा लौट कर आ सकती है ठीक है इलाज कीजिए डॉक्टर ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है मेरी एक शर्त है अगर उस शर्त पर आप राजी हो तो मैं इलाज करने के लिए तैयार हूँ पूछा क्या शर्त है तुम्हारी कहा मेरी शर्त ये है कि जब मैं आपके आंखों का इलाज शुरू करूं, जब तक इलाज मेरा जारी रहेगा उस वक्त तक आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए मेरी शर्त यह है कि आपकी आंखों में आंसू ना आए उस वक्त तक जब तक कि मेरा इलाज जारी रहे इमाम साबित साबितबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि डॉक्टर जो आंख अल्लाह के डर से अल्लाह की खशियत से आंसू ना बहाए जिन आंखों में आंसू ना आए ऐसी आँख मुझे पसंद नहीं है मैं बगैर आँख के बग़ैर दुनिया देखे जिंदगी गुजारना पसंद करूँगा लेकिन ये मुझे पसंद नहीं ये गवारा नहीं कि इन आंखों में आंसू आए। कैसे लोग थे देखो तो नाजरीन है गरामी हम और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए कि क्या हमारी आँखें कभी रोती हैं हाँ रोती हैं घर में कोई बीमार हो गया वाल साहब की तबीयत ख़राब हो गई दूसरे कुछ दुनियावी मसाइल आ गए कोई हादसा पेश आ गया रोना आता है लेकिन रोनों में जो रोना इबादत है अल्लाह के डर से अल्लाह की खशियत से क्या इसकी वजह से हमें कभी रोना आता है गौर करने की बात है सोचने की बात नादरी ग्रामी आप में हमारी और बहनें भी हैं माँ और बहनें भी हमारे इस प्रोग्राम को समाप्त कर रही हैं तो कुछ औरतों के हवाले से भी आनी चाहिए हम सब की माँ आयशा सिद्दीकर ताल

कि अल्लाह ताला ने हमें जहरीली आग से बचा लिया है इसी आयत को बार बार पढ़ रही हैं रो रही हैं पढ़ रही हैं रो रही हैं हमारी माँ और बहनें समात करें कि ये हमारी माँ थी ये भी एक खातून थी इनके अंदर भी कैसा अल्लाह का डर था कुरान की तिलावत करने के बाद कैसे रोया करते थे अल्लाह करे हमें भी रोना आए अल्लाह के डर से तआला बकरा कहा करते थे कि रोया करो कम से कम रोने के जैसा चेहरा बना लिया करो अपनी शक्ल रोने जैसी बना लिया करो शायद अल्लाह तुम पर रहम फरमा दे नाजरीन हम सब को ये बात गहराई से सोचने और समझने की ज़रूरत है हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए इन अगली नशिस्त में हम दोबारा मुलाकात करेंगे इसी मौजू को लेकर तब तक के लिए हम आपसे रुख्सत चाहते हैं असलकुम वरमि वरक